नमस्कार दोस्तों, नारी एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा से हर काम नर के बराबर है। पिछले कई सालों से नारी ने अपनी ताकत, अपने साहस और अपने परिश्रम की मिसाल दुनिया को दी है, लेकिन अब जाकर नारी को वो मान्यता मिल रही है जो हमें हमेशा से मिलनी चाहिए थी। आज हम कुछ ऐसी ही नारियों यानी कि शेरनियों का सम्मान करने वाले हैं। मैं हूं रोहिणी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज इस मौके पर जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ बीइंग अ शेरनी। आज हम सब एक साथ आए हैं जीवन की उन शेरनियों से मिलने जिन्होंने अपनी साहस, अपनी हिम्मत से हमारे जंगल और इनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखा है, यहाँ पर होने वाले इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज का सामना किया है, मध्य प्रदेश के इन घने जंगलों की रक्षा की है और हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश वन विभाग से कुछ ऐसी महिला अफसर हैं जिनकी साहस और निष्ठा से प्रेरित होकर Amazon प्राइम वीडियो लेकर आया है शेरनी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इन शेरनियों का, श्रीमती गीता टिग्गा, श्रीमती योगिता बेगा, श्रीमती अमिता ओराव, श्रीमती राखी नंदा, डॉक्टर किरण बिसेन, श्रीमती अंजना एस तिर्की, लक्ष्मी मरावी जी का, श्रीमती सीता जामरा जी का, श्रीमती गुणन मरावी जी का, श्रीमती अंजलि शर्मा जी का, श्रीमती प्रियंका गौतम, मनीषा कौरव, डॉक्टर रूही हाक, शशि अहिरवार, श्रीमती सीमा राजगोंद का, श्रीमती हरमन बोपराय का, श्रीमती मालती पंद्रे का, दीप्ति राहंगदले का, कविता रावत का, मधु पराशर का, श्रीमती जया पांडे, श्रीमती अनीता धुर्वे, श्रीमती सुधा धुर्वे, श्रीमती प्रतिभा अहिरवर का और श्रीमती मंजू ठाकुर का। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस कमाल के समारोह में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम और मिलते हैं रियल लाइफ शेरनियों से। और हाँ, मेरे पास कुछ और सरप्राइजेस भी हैं आप सभी के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। फिलहाल के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इसी समारोह के कुछ धुरंधरों को, हमारी शानदार शेरनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स और रेंजर्स को। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज आवर वंडरफुल शेरनी। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी एक ऐसी शेरनी को जो हमारे साथ शेयर करेंगी एनिमल यानी कि इंसान और जानवरों के को एग्जिस्टेंस के बारे में। प्लीज वेलकम मिसेस रूही हाक। रूही जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मैं डॉक्टर रूही हक, एसडीओ अब्दुल्लागंज वन मंडल में क्षेत्रीय के साथ साथ सिंगौरी अभयारण्य के प्रभार में भी हूँ। एज वी नो दैट अब्दुल्लागंज वन मंडल लैंडस्केप जो है मेनली टाइगर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रातापानी सेंचुरी, सिंगौरी सेंचुरी और टेरिटोरियल बोथ मिलाकर अराउंड 45 to 55 टाइगर्स हैं। तो अक्सर जो टाइगर्स होते हैं वो गांव की नियरेस्ट फॉरेस्ट एरिया में इनका मूवमेंट देखा जाता है। तो वी कैन से दैट टाइगर्स विथ ह्यूमंस फॉर दिस लैंडस्केप। और जहां पर ये फ्रेज आता है टाइगर्स विथ ह्यूमंस, वहां हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, एज ए लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हम वरिष्ठों के मार्गदर्शन में रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर सेम खेतों में आ जाता है, सेम टेरिटरी में आके पानी पीता है, तालाबों से पानी पीता है जहाँ कैटल्स पानी पीते हैं, सेम पगडंडी को फॉलो करता है जहाँ लोगों का मूवमेंट रहता है, रोड क्रॉस करता है फॉर देयर किल एंड वाटर वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए हम कैमरा ट्रैप, PIPs और पगमार्क्स, इनके थ्रू उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और हमें हमारे सारे टाइगर्स की प्रॉपर लोकेशन पता रहती है, और यदि हमें 3 या 4 दिन तक टाइगर्स की लोकेशन पता नहीं चलती तो हम कॉम्बिंग ऑपरेशन द्वारा उनको सेफ सेफ करते हैं, उनकी सेफ पता करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस, लोगों के लिए अवेयरनेस और बाघ मित्र द्वारा, योजना द्वारा हम उनको रोजगार भी प्रदान करते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स के लिए उनमें बीच कनेक्ट पैदा हो। और कंपनसेशन, हमारे वन विभाग की योजना है कंपनसेशन, जिसको हम 7 to 30 days के अंदर उनको फुल कंपनसेशन दे देते हैं, जैसे जिससे क्या होता है पॉइजनिंग और इलेक्ट्रिक्यूशन जैसी घटनाएं जो होती है वो नहीं होती है। तो इस तरह से हम ह्यूमन और हमारी वाइल्ड लाइफ दोनों को सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में वाइल्ड लाइफ और टेरिटोरियल एरियाज दोनों में मौका मिला। और साथ ही मैं शेरनी टीम को वन विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने वन विभाग की, वन सेवा की इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस दोनों को पर्दे पर उतारा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूही। हाँ दोस्तों, हमारी अगली शेरनी है मिसेस सीता जामरा, जो हमसे बातें करेंगी अबाउट हर रोल इन टाइगर एंड द एंडेंजर्ड एनिमल्स रेस्क्यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मैम, मैं सीता जामरा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर काना टाइगर रिजर्व से। रेंजर होने के नाते मैम मेरा रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे रेस्क्यू टीम के सदस्य और सामान की समय पर पूरी व्यवस्था करनी होती है। मैं आपसे दो यादगार रेस्क्यू प्रोग्राम के अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मेरा पहला भालू रेस्क्यू अनुभव, एक बार सुबह सुबह सूचना मिली थी कि एक गांव में कुएं में भालू गिर गया है। तब मैं अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और गाँव वालों की भीड़ को कुएं से हटाया और सीढ़ी को रस्सी से बांधकर कुएं में डाला। थोड़ी देर बाद भालू कुएं से सीढ़ी पर चढ़ते हुए बाहर निकल आया और चारों तरफ देखा और जंगल की ओर भाग गया और हम उसे फॉलो करते हुए पीछे पीछे गए। वो एक जगह खेत में रुककर पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम के लिए रुका। तब हम गांव वालों को वहां पर समझा रहे थे और अचानक से एक श्रमिक ने मुझे देखा और कहा, मैडम आप भागकर गाड़ी में बैठ जाइए, भालू आपकी ओर आ रहा है। तभी मैं अचानक से गाड़ी की ओर भागी और मैंने देखा कि गाड़ी के डोर लॉक थे और मुझे लगा अब क्या करूं। तभी मैंने सोचा सिचुएशन खराब हो इससे पहले कुछ करना चाहिए और मैंने ऊपर हाथ लाकर हल्ला करते हुए जोर से ड्राइवर को डंडा जमीन पर ठोकते हुए मेरी ओर आने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। ये देखकर भालू अपनी दिशा बदलकर जंगल की ओर मुड़ गया और हम उसे सफलतापूर्वक जंगल छोड़कर आए। और दूसरा टाइगर रेस्क्यू अनुभव शेयर करना चाहूंगी। एक बार टाइगर रेस्क्यू के दौरान हाथी दल के साथ हाथी पर बैठकर टाइगर को वेटनरी डॉक्टर ने ट्रायंगुलाइज किया और स्ट्रेचर टीम के सदस्यों ने टाइगर को स्ट्रेचर पर रखकर हेल्थ चेकअप टीम के पास लाए। तब मैं डॉक्टर टीम के साथ टाइगर को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के कार्य में मदद कर रही थी और मैं टाइगर के सिर के पास बैठी थी। तब पहली बार मैंने जिंदा टाइगर को हाथ लगाया, छुआ और उसकी चलती सांसों को छूकर महसूस किया, उसकी ब्रीदिंग चेक की। जैसे ही मेरी आंखें टाइगर की आंखों से मिली, वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय शानदार पल था और मैंने उसके सिर को प्यार से सहलाया और फिर डॉक्टर ने मुझे उसकी आंखों पर कपड़ा ढकने को कहा। फिर हेल्थ चेकअप के बाद टाइगर को केज में रखकर रिवाइव करने के लिए इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर बाद ही टाइगर उठकर बैठ गया। इस पूरे रेस्क्यू में 35 से 40 मिनट का समय लगा। पूरी रेस्क्यू टीम का शानदार प्रदर्शन मैंने देखा। फिर उसे स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ा। इस प्रकार उस समय एक अनमोल वन्य प्राणी को बचाने की खुशी का अद्भुत एहसास, संतुष्टि और गर्व महसूस हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। जय हिंद सीता जी। यहाँ पर हम शहरों में मास्क खुद पर लगा रहे हैं और आपने अभी अभी जो बात कही कि आपने ऑक्सीजन मास्क टाइगर पर लगाया, ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों हमें लगता है कि महिला छोड़िए एक इंसान अकेले कैसे सेफली जंगल में काम कर सकता है, क्या ये सेफ है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दीप्ति रहंगदले जी। नमस्कार दीप्ति जी, कैसी हैं आप? नमस्कार मैडम। मैम मैं दीप्ति रहंगदले, मैं भी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ जहाँ मैडम ने शेरनी की शूटिंग किया था। मैं ये कहना चाहूंगी कि सन 2016 में जब मेरी पोस्टिंग वन विभाग में हुई थी, तब मुझे पेंच टाइगर रिजर्व का टूरिया गेट दिया गया था। वहां मैं अकेली लेडी गार्ड थी और बाकी सारे मेल स्टाफ ही था। वहां मुझे थोड़ा दिक्कतें हुई, ऊपर से वो वन क्षेत्र है जो बिल्कुल गांव से 2 से 3 किलोमीटर अंदर था, वहां रहने में थोड़ी दिक्कतें हुई और फिर लाइट बिजली वगैरह की भी प्रॉब्लम थी। बिकॉज बारिश की वजह से वहां पर बिजली लगातार चली जाती थी, 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी। वहां पर धीरे धीरे मैंने खुद को एडजस्ट करना सीखा और अब जो जिस डर और हिचक के साथ में मैं कहना चाहूंगी कि मैंने वन विभाग में काम करना शुरू किया था, वह अब मेरी आत्मविश्वास और निर्भीकता में बदल गया है। और इसके लिए मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी बिल्कुल सहयोग मिला था, चूंकि मैं अकेली थी लेकिन उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया कि आप हाँ आप कर सकती है, आप कर लेंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी अगली शेरनी एक मिसाल है जिन्होंने अपने साहस से जंगल में पोचर्स को पकड़ा, ना केवल पकड़ा उन्हें सजा भी दिलाई है। मैं इस वक्त वेलकम करना चाहूंगी मिसेस अंजना एस तिरके जी का। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार रोहिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजना सुचिता तिर्की झारखंड को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश काडर अलॉट होने से मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। और जब मेरी पदस्थिति कान्हा टाइगर रिजर्व में हुई, तो जैसे ही पदस्थिति अगस्त के माह में हुई, तो सितंबर में एक टाइगर की पोचिंग हो गई वहाँ पे। और टाइगर की पोचिंग हो जाना एक टाइगर रिजर्व में एक बड़ी घटना हो जाती है, एक दुखद घटना भी होती है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उनको बचाने की वजह से चलती है। और जब हम लोग अचानक से इस सूचना को प्राप्त किया हम लोगों ने कि एक टाइगर की पोचिंग हो गई, तो हम लोग फौरन ही आनंद फानन में वहां पे मौके पे पहुंचे और देखा कि उसके पंजे कटे हुए थे। तो ये पंजे कटे हुए टाइगर देख करके हम और भी हैरान और दुखी हो गए, क्योंकि इससे स्पष्ट होता था कि ये पोचिंग का ही मामला है और ये कोई अचानक से हुआ वारदात नहीं है। और तब हम लोग सारी टीम हमारी उसमें लग गई कि हम अपराधी को ढूंढें। आसपास के जो लोग थे जो आदतन अपराधी थे, हम उनको पूछताछ के लिए उनके पास गए, उन्हें बुलाया, लेकिन वो साफ मना करने लगे कि हम लोगों ने इस प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया है। फिर हमने अपने डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास में हम लोग के गाँव में हम लोगों ने उसकी गश्त कराई, और जो डॉग स्क्वाड की मदद से जो हमारा डॉग है वो अपराधी के घर तक पहुंच गया। और हमने पहले ही उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। और बाद में जब डॉग वहां पहुंचा, तो लोगों को ये डर हो गया कि ये जो कुत्ता है ये लोगों को पकड़ लेता है, या चोर या अपराधी को पकड़ लेता है। तो इस भय से लोग स्वयं बताने लगे कि किस प्रकार से वहां पे पोचिंग हुई थी। और जब अपराधी ने बताया कि हम लोगों ने सुअर मारने के लिए इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए एक लाइन बनाया था, लेकिन वहां पर सुअर के स्थान पे टाइगर फंस गया, और जब टाइगर फंस गया तो हम घबरा गए। हमारे जो साथी थे उसमें से एक साथी को इस बात का भान था कि एक सुपरस्टिशन यहाँ मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया में है, यदि आप टाइगर के पंजे लेके आते हैं तो पैसों की झड़ती होती है। तो इस सुपरस्टिशन की वजह से वो टाइगर के पंजे बाद में आकर काट कर वो ले गया और उसने छुपा दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि जो खोजी कुत्ता गांव में घूम रहा है और वो अपराधी को पकड़ लेता है, तो वो स्वयं आकर उसने फिर कबूल कर लिया कि मैंने ये पंजे काटे थे, और इससे चूंकि मुझे इस बात का पता था कि इससे पैसे मिलते हैं पंजे रखने से, टाइगर के पंजे रखने से। तो वो शाम देर रात हमें उस स्थान पे ले गया जहां उसने पंजों को जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं वो पकड़ में ना आए। तो इस प्रकार से एक अनुभव था मेरे लिए कि एकदम से आप नए जगह में पोस्टिंग होती है और आप टाइगर का शिकार हो जाता है। तो मैं यही इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। धन्यवाद अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अंधविश्वास को बदलने में आपकी जो कहानी है ये बहुत काम आएगी, क्योंकि अब पंजों से केवल डर और सजा मिलनी चाहिए, ना पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी शेरनी को जो हमें रूबरू कराएंगी कोर फॉरेस्ट एरिया के साथ, जंगलों की असली रियल लाइफ स्टोरीज बताने के लिए। प्लीज वेलकम मनीषा कौरव जी। मनीषा जी नमस्कार। नमस्ते, मैं मनीषा कौरव, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कुनो नेशनल पार्क, श्योपुर। कुनो नेशनल पार्क में अभी अफ्रीकन चीतों को बसाए जाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि मैं भी पार्ट ले रही हूँ, और मैं यहाँ कोर एरिया में बसे बादशाह गांव को स्थापित करने की कार्रवाई कर रही हूँ। कोर एरिया नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ वन प्राणी और वन संपदा बहुत ही समृद्ध होती है, बहुत ही घने जंगल होते हैं, पर यहाँ ना बिजली होती है, ना पानी होता है पीने का शुद्ध, और ना ही यहाँ नेटवर्क होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है हमें कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। एक बार मैं अपने कैंप निरीक्षण के लिए जा रही थी, तो नदी किनारे पहुंचते ही मैंने देखा कि 10 से 12 सशस्त्र जो है बंदूकधारी और वहां पे बैठे हुए हैं। देखकर मैं एकदम से सन्न रह गई। मैंने कहा इतने सारी बंदूकें वो भी कोर एरिया में मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। तब मैंने तत्काल अपनी टीम को वायरलेस किया
और उन्हें वहां मौके पे बुला के हमने उन लोगों का पीछा किया। वो लोग सशस्त्र, हमारे पास उतने शस्त्र नहीं थे तो हम उन लोगों को पकड़ तो नहीं पाए, परंतु हमने उनको समय पे अपने एरिया से जो है वो बाहर खदेड़ दिया। और बाद में हमें पुलिस द्वारा पता चला कि कुछ बदमाश थे जो यहाँ घूम रहे थे। चंबल एरिया वैसे भी डाकू और बदमाशों के लिए बहुत ही फेमस है और हमें आए दिन इस तरह की लोग चीजों का सामना करना पड़ता है। नेशनल पार्क के कोर एरिया में हमारा मुख्यतः काम होता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना, उनका हैबिटेट तैयार करना और प्राथमिकता से उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना। एक दिन मैं टाइगर की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए फील्ड पर गश्ती कर रही थी तो हमें लोकेशन मिली टाइगर की और हम अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचे तो टाइगर की दहाड़ने की आवाज आ रही थी। हम उस दहाड़ का पीछा करते हुए करीब 2 किलोमीटर दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो हमने एक पत्थर पे जैसे ही पैर रखा तो सामने जो है वो 2 टाइगर के शावक जो है वो चीतल के झुंड में शिकार करते हुए पोजीशन में हमें दिखे। क्योंकि वो शिकार की पोजीशन में थे तो एकदम से उन वहां रहना हमारे लिए घातक था तो हम छड़ी की वहां नहीं रुके और तुरंत अपने वापस रास्ते पे आ गए। इस तरह से कोर एरिया में काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मैं यही चाहूंगी कि हम सबको वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए और एनवायरमेंट को सेव करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी। अब चलते हैं एक ऐसी शेरनी की ओर जो हमें एक शेर के साथ भिड़ने पर क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। कैसे इन्होंने एक टाइगर का सामना किया और टाइगर रेस्क्यूज हैंडल किए हैं। प्लीज वेलकम श्रीमती राखी नंदा जी। राखी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोहिणी जी, थैंक यू। सर्विस में पिछले 14 सालों में ऐसे तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। 2018 में मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी। उस वक्त महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक टाइगर यवतमाल, वर्धा और अमरावती जिलों को क्रॉस करके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आ गया। अब वो ऑलरेडी महाराष्ट्र में उस वक्त 2 ह्यूमन किल्स कर चुका था। अब जैसे ही वो हमारे डिवीजन में आया उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने डे नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जिस जिस दिशा में बढ़ता जाता हमारी टीम उसी दिशा में पहले ही लोगों को अलर्ट कर देती ताकि कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसी तरह से वो टाइगर जो है रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ह्यूमन हैबिटेशंस, फॉरेस्ट क्रॉस करते करते एक सारनी टाउन है उसमें पहुंच गया जहां पे कोल माइंस और पावर प्लांट है। अब उस पावर प्लांट एरिया में वो ह्यूमन हैबिटेशंस में घूमने लगा। उस पावर प्लांट के एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया, एक तरफ पावर प्लांट ऐश पॉन्ड और दूसरी तरफ जो है पूरा सारनी टाउन और लास्ट में एक तरफ कोल माइंस थी। अब हमारे लिए हमें लगा कि इसका रेस्क्यू करना पड़ेगा ताकि कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पब्लिक अनरेस्ट इतना हो रहा था कि हमें सेक्शन 144 तक इन्वोक करना पड़ा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो 10 दिन चला और हम लोगों ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम, बैतूल की टीम, हमारे वेटनेरियन, WCT के वेटनेरियंस, 150 लोगों का स्टाफ और 10th डे उनके ऐश पॉन्ड में जिसमें 4 से 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंची घास थी, हमारे पास 4 हाथी थे वो भी उसमें दिखते नहीं थे। और जैसे ही हमें इवन पोकलैंड और JCBs तक बुलानी पड़ी पर फॉर्चुनेटली 10th डे हम लोगों ने उसका सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और उसे ऑब्जर्वेशन के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन के बाद फिर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रिलीज कर दिया। अब वो फिर से घूमते घूमते सारनी टाउन के आसपास फिर पहुंच गया और फिर उसी एरिया में टिक गया। अब फिर से वही परिस्थितियां निर्मित होने लगी। अब हमें लगा कि अब तो इसे रेस्क्यू फिर से करना पड़ेगा। लेकिन इस बार अच्छी बात ये थी कि हमारे पास अनुभव था और टाइगर जो था वो रेडियो कॉलर था तो फिर से उसका उसी तरीके से रेस्क्यू किया गया उसी टाइप की घास से और फाइनली उसे वन विहार भेजा गया। मुझे ये बताना था, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, सच्ची में रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप सबकी कहानियों को सुनकर और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है खुद पर भी एक नारी होकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने हमारा साथ दिया। लेकिन कहीं मत जाइएगा, एक बहुत ही खास व्यक्ति है जो हमारे साथ अब जुड़ने वाली है। एक ऐसी शेरनी जिसने एक्टिंग की दुनिया में तो कई दहाड़े लगाई हैं,
लेकिन आज आपके साथ एकजुट होकर नारीवाद को आगे बढ़ाएंगी द वन एंड ओनली द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शेरनी विद्या बालन. विद्या, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शोइंग योर सपोर्ट टू आवर अमेजिंग फॉरेस्ट ऑफिसर शेरनीज. क्या कहना चाहेंगी आप इनसे? हाय रोहिणी, और मैं यही कहना चाहूंगी कि वन विभाग की सारी शेरनियों को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार. शशि, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है. शशि हमारे साथ शूटिंग में थी, काफी दिन बिताए हमने साथ में और उन्होंने मुझे बहुत जानकारी दी और काफी फॉरेस्ट ऑफिसर्स से मैं मिली, फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर से भी मिली शशि के अलावा भी, जिनका मेरे ख्याल से जिनसे मिलकर मुझे बहुत हेल्प मिली समझने में कि आपका जॉब किस तरह होता है, किस किन कठिनाइयों से आप गुजरते हैं और किस तरह से मुस्कुराते हुए जैसे आप आज मुस्कुरा रहे हैं आप बस काम करते चले जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. मुझे पता नहीं था कि यू नो आपका काम कितना टफ होता है, आप कितना कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है, पर आप सब इतनी आसानी से कर जाती हैं. आपकी वजह से हमें लगता है कि अरे ये तो मतलब दिस इज इजी, पर ये इजी बिल्कुल नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोटेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ, फॉर कंजर्विंग आवर फॉरेस्ट एंड फॉर जस्ट डूइंग व्हाट यू डूइंग. आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी शेरनी की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्या. लेकिन अब लेट्स हैव सम फन. ये जो सेगमेंट है यहाँ पर मैं आपको कुछ शेरनियों की कहानियां सुनाने वाली हूँ. आपको कहानी सुननी है और फिर मुझे बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है, इज इट ट्रू और फॉल्स. अब सिचुएशंस जो है वो जंगल में ही बसे होंगे, फॉरेस्ट एनकाउंटर्स के इर्द गिर्द होंगे, तो आप तो तैयार है विद्या, ये मैं जानती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारी शेरनियां हैं इस कॉल पर आप सब भी तैयार हो जाएं. वो सब मेरी मदद करने वाली है. ठीक है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. पहला सिचुएशन रखते हैं आपके सामने जी. तो इस शेरनी के साथ कुछ यूं हुआ कि जंगल में एक दिन अपने नॉर्मल राउंड्स करते समय वो अपने कोवर्कर से अलग हो गई और खो गई. उन्हें लगा कि जंगल के बीचों बीच से वो शायद ही बाहर निकल पाएंगी और वापस जाने का रास्ता भी उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जंगल के कोर एरिया से चलकर अपने रेंज ऑफिसर तक पहुंच पाई और अपने आप को बचा लिया. विद्या जी आप बताएं, सत्य है असत्य है, हो सकता है ये? आप सब जरा सर हिला दे तो मदद मिलेगी मुझे. ये सत्य है ना? कोई मदद नहीं कर रहा मेरी. दिस इज वेरी मच पॉसिबल. आप दूसरों से अलग हो जाते हैं और फिर पूरा जंगल तो आई थिंक कोई भी नहीं जानता होगा, जंगल का हर रास्ता तो नहीं जानता होगा, पर किसी तरह वो फॉरेस्ट मतलब रेंज ऑफिस पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है. क्या बात है, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सत्य है. और जिनके साथ ये हुआ ये हमारे साथ है अंजलि जी. अंजलि शर्मा जी नमस्कार. नमस्ते. हाय हाय. ये आपके साथ हुआ कुछ बताइए अंजलि. आप डरी कि नहीं डरी? हाँ थोड़ी सी घबराहट हुई थी स्टार्टिंग में. मेरी ज्वाइनिंग के कुछ समय के बाद का ही टाइम था जब मैं और मेरा फॉरेस्ट था दोनों हम लोग रेगुलर गश्ती के लिए डेली जंगल जाते थे. वैसे उस दिन गए लेकिन जंगल गश्ती के दौरान एक जगह मतलब हम लोगों को कुल्हाड़ी से लकड़ी के काटने की आवाज आई, तो हम दोनों मतलब उसको देखने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए. अलग जाने के बाद हम उस जगह तो नहीं आ पाए, एक दूसरे से अलग होने के बाद जब मैंने उसको आवाज लगाई तो मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाई और ना ही शायद मेरी आवाज उसकी आवाज उस तक आ पाई. उसके बाद मैंने वहां से चलना स्टार्ट कर दिया. मैंने कहा यहाँ से बाहर तो निकलना ही है. वहां से चलने के बाद इधर उधर बहुत घूमने के बाद पगडंडियों के सहारे या फिर जैसे भी जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आई. जंगल से सुरक्षित बाहर निकलना ही मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि उस टाइम मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी. मुझे जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, रास्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं था,
लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब अभूतपूर्व अनुभव है जो मुझे हमेशा याद रहता है, इन फ्यूचर भी याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, मैं आपको एक और कहानी की ओर ले जाती हूँ और आपको अनुमान लगाना है कि क्या ये सत्य है या सत्य है या असत्य है। ये पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व की कहानी है जहां पर एक शेरनी अनफॉर्चुनेटली गुजर गई और उनके पीछे उनके छोटे छोटे पिल्ले बच गए। अब अक्सर ऐसे होता है कि जंगल में भी पेट्रियार्की सर अपना ऊंचा करता है और अगर बाप हो यानी कि शेर हो वो अपने बच्चों को कभी संभालता नहीं है, वो वहां से चला जाता है या अबैंडन कर देता है। लेकिन ये जो शेर निकला ये इन पिल्लों को ना केवल उसने बचाया, उन्हें प्रोटेक्ट किया, उन्हें सही पोषण दिया और एक माँ की तरह अपने बच्चों को रखा। क्या लगता है आपको कि क्या ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सही। बिकॉज मेरा मानना है कि जंगल में सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो घटना है इसके बारे में श्रीमती हरमन बोपराय हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार रोहिणी जी। हाय विद्या जी। हाय हाय हरमन जी, ये कहानी जरा हमें सुनाइए। जी मैम, मैम पन्ना टाइगर रिजर्व में रहते हुए मुझे कई लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा दिल के करीब है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइग्रेस थी जिसने चार कब्स को जन्म दिया, लेकिन कुछ नेचुरल रीजंस के कारण उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन कब्स के साथ जो टाइगर एसोसिएटेड था वो उस टाइग्रेस और कब्स के साथ बहुत ज्यादा डीप उसका इमोशनल अटैचमेंट था। ऐसा तब देखने को मिला जिस जगह पे टाइग्रेस की डेथ हुई थी उस जगह पर टाइगर बहुत देर तक बैठा रहा। फिर अब हमारा जो पार्क मैनेजमेंट है उसके लिए एक चिंता का विषय ये था कि इन चार कब्स को कैसे बचाया जाए, इन चार कब्स की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए हमारी टीम ने एक सर्च टीम गठित करी जिसमें एलिफेंट्स का यूज किया, कैमराज इंस्टॉल किए गए और 50 से ज्यादा पर्सनल्स को गश्ती के लिए लगाया गया। गश्ती के दौरान हमने सर्च किया, लोकेट करने की कोशिश की कि वो कब्स जिंदा हैं कि नहीं, कहीं उस टाइगर ने उन कब्स को खा तो नहीं लिया या कुछ हार्म तो नहीं पहुंचाया। फिर बहुत दिन की गश्ती के बाद हमें पता चला कि वो जो कब्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं एंड दे आर नॉट इवन स्ट्रेस्ड, और जो टाइगर है वो उनके आसपास ही कहीं घूम रहा है। इसके बाद फिर कुछ समय बीतने पर हमें ये पता चला कि वो जो टाइगर है वो जो भी किल करता है वो अपने कब्स के साथ शेयर करता है और उनको धीरे धीरे वो हंटिंग स्किल्स शायद उनको सिखा भी रहा है। ये जो इंसिडेंट है ये इसलिए अनयूजुअल है क्योंकि टाइगर स्पीशीज में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी हो रहा है। हरमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। अभी मैं अगली कहानी की ओर बढ़ने वाली हूँ। ये किस्सा सातपुड़ा टाइगर रिजर्व का है जहां पर एक लेडी ऑफिसर दो मजदूरों के साथ जंगल के भीतर थी जब उन्होंने 10 मीटर की दूरी पर एक टाइगर देखा। टाइगर ने दहाड़ लगाई और लेडी ऑफिसर ने आंखों में आंखें डालकर टक टुक करके देखने लगी। डरने के बजाय लेडी ऑफिसर जो है इन्होंने टाइगर को घूर कर देखा और मजबूती से खड़ी रही। फाइनली इस आंख में टक्का या आंख में चोली में हारा टाइगर और लेडी ऑफिसर के डर के मारे वहां से मुड़कर पीछे निकल गया। आई नो राइट, सत्य है ये, सत्य है, लेकिन फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप कह रही है सत्य है और बिल्कुल सत्य है जिनके साथ ये हुआ। और सुधा जी, सुधा ध्रुवे जी नमस्कार। नमस्कार मैम। ये कहानी, जी हाँ बताइए इस कहानी के बारे में बताइए। मैम हम MS टाइप गश्ती करते समय पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और नीचे उतरते हुए सामने बाघ का सामना हो गया और बाघ बैठा हुआ था और मुंह पर खून लगा हुआ था और मुंह फाड़ रहा था और हम उसे देखकर वहीं बैठ गए, मतलब वहीं खड़े हो गए। और मेरे साथ में मतलब तीन श्रमिक थे, मतलब तीन, हम दोनों, मैं और दो श्रमिक थे और एक तो बहुत बुरी तरह से घबरा गया उसे देखकर और एक डर के मारे कांपने लगा। मैंने इशारे से उनको बोला कि
कि सावधान रहें, इशारा किया कि सावधान रहें, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब डर गए वो लोग। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा, वो जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही टाइगर गुर्राने लगा, और फिर मैंने उसको और इशारा किया, इशारे में भी यदि पत्ते भी हिलते हैं या कुछ हलचल होती है तो टाइगर गुर्राता है, वो सोचता है कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा, तो इसलिए बहुत ज्यादा गुर्राया। और फिर उसके बाद में हम लोग सावधान स्थिति में खड़े रहे, और उसके बाद मेरा एक श्रमिक पीछे की ओर जाने लगा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तब भी टाइगर गुर्राया, और फिर हम मतलब इतनी मतलब डर था और मतलब बहुत ज्यादा मतलब डर के कारण कप रहे थे और घबराहट भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कि जो भी होगा देखेंगे और जो भी करेगा वो टाइगर ही करेगा, हम यदि उसके सामने यदि मतलब सावधान खड़े रहे तो वो कुछ मतलब हलचल नहीं होती ना, तो वो गुर्राता नहीं है, अटैक भी नहीं करता है। और उसके बाद में फिर करीबन मतलब मैं और मेरे दोनों चौकीदार उसको देखते रहे और वो हमको देखता रहा, और करीबन 1.5 घंटे हो गए आमने सामने खड़े रहे, लेकिन इतनी मतलब मैं इतनी हिम्मत करी हूँ कि मैं ही जानती हूँ उस टाइम तो भगवान मुझे सामने आ गए, बहुत ज्यादा मतलब अभी भी यदि वो घटना सुनाती तो अंदर से कपकपी लगती है, बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मतलब हिम्मत बांधी और अपने चौकीदारों को भी हिम्मत बंधाई। और उसके बाद में फिर वो टाइगर बोल नहीं पा रही हूँ मैम, मतलब उठकर फिर वो वहां से मतलब मैं बस सोच रही हूँ कि आज आपका गला शायद सूख रहा हो, लेकिन उस समय में जितनी साहस आपने दिखाई है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है, तो इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमें बता रही हैं और हमें प्रेरित कर रही हैं। नहीं, और आप इमोशनल हो रही थी ये कहानी शेयर करते वक्त, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने क्या बीती होगी, मैं तो वहीं ढेर हो जाती मैं तो शायद बेहोश हो जाती या न जाने क्या, पर आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, रियली मोर पावर टू यू। मैं वहां डर जाती तो हम तीनों को अटैक कर लेता, वो मतलब मार ही देता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, पर ये उस तरह से सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है, वो तो तुरंत माइंड में है, फिर भी जब शेर का सामना होता है और जब बात का सामना होता है तो वो बात ही कुछ और होती है ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, हरमन जी और सुधा जी, आपने अपनी कहानियां हमारे सामने रखी, लेकिन अब मौका है कि हम कुछ और शेरनियों से मिले। दोस्तों, इनोवेशन इज व्हाट मेक्स डिफरेंस इन अ सोसाइटी, और अब जिस शेरनी से हम मिलने जा रहे हैं उनके एक जिम्मे के कारण वहां की जो औरतें थी उनको जंगल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इससे उन्हें एक आमदनी का अलग जरिया भी मिलने लगा। स्वागत है हमारी शेरनी शशि अहिरवर जी का। शशि जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, बढ़िया। बताइए आप हमें अपनी कहानी बताइए। मैं शशि अहिरवर, जब मेरी पोस्टिंग मेरी फील्ड में हुई और वहाँ पे बहुत ज्यादा कटाई होती थी, उसे बचाने के लिए मैंने जब लोगों से बात की, वहां पे मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता था, तब मैंने एक महिला होने के नाते मैंने महिलाओं से अपनी बातचीत रखी। उसी बीच मैंने जब एक महिला से पूछा कि आप लोग इतने व्यस्त क्यों रहते हैं, तब उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ रोजी का चलाने के लिए जंगल से लकड़ी लाना है और उसे बेचकर 14 किलोमीटर पैदल चल के और अपने बच्चों को पालना है। ये चीज सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, जंगल भी बचाना था क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो जंगल बचाने की। उसी बीच हमने इनको एक रोजी का चलाने के लिए एक पेपर मेशी का काम शुरू किया और उसमें मैंने 10 महिलाओं को जोड़ा। उस 10 महिलाओं से लगभग मुझसे 50 लोग जुड़े और आज ये स्थिति है कि उस गांव में कोई भी लकड़ी बेचने नहीं जाता है और इसकी रोजी का चल रही है।
थैंक यू मैम। ये जो रिश्ता है विद्या जी आपका और शशि जी का, इसके बारे में भी एक लाइन में जरूर हमें बताइएगा। आप दोस्त लगते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, हमने साथ में कई दिनों तक शूटिंग की तो शशि के साथ बहुत बातें होती थी। जैसे मैंने कहा कि शशि के पापा भी फॉरेस्ट गार्ड थे, राइट शशि जी? जी, तो उनसे बहुत बातें होती रहती थी, वो मुझे कहानियां सुनाती थी और उन्होंने बताया कि इस तरह का जो उन्होंने हमारे साथ अभी शेयर किया इसी काम के बारे में उन्हें उन्होंने हमें बताया था शूट पर। तो आज शशि से मिलके मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा था कि सब साथ में बैठ के फिल्म देखेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा, खैर एटलीस्ट इस तरह से मैं शशि से मिल पाई। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आपका। आपकी और सही में शशि बिल्कुल शेरनी है, निडर मतलब वो बिंदास है। मोर पावर टू यू शशि। शशि जी ये जरूर कहना आपके जाने से पहले कि आपके सहयोग की वजह से आज शेरनी बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी अगली शेरनी मनुष्य और पर्यावरण की इस लड़ाई के बारे में कुछ अहम बातें हमें बताएंगी। प्लीज वेलकम कविता रावत जी। कविता जी नमस्कार। जय हिंद सभी को। मैं कविता रावत, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, संजय टाइगर रिजर्व सीधी। यहाँ पे जो मेनली है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इशू है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और सरकार और हमारा क्या यहाँ पे इनिशिएटिव है, तो मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट तो हम लॉन्ग टर्म कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि जो भी उनका हैबिटेट मैनेजमेंट है, ताकि जो जंगली हाथी है, जंगली हाथी इससे पहले एमपी में नहीं थे, अभी ये पूरे एमपी के लिए एक मतलब प्रॉब्लम है, सीखने की चीज है, उनको किस तरीके से हम हैंडल करें और ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनका जो हैबिटेट मैनेजमेंट होता है हम, ताकि वो अंदर ही स्थापित, उनको अंदर ही उनके लिए फूड वाटर और शेल्टर वगैरह मिलते रहे, तो वो अंदर ही रहें, हम कुछ बैरियर्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि उनके बीच में जंगल और गांव के बीच में रिस्ट्रिक्शन पैदा कर सकें, ताकि वो गांव की ओर नहीं आए। और इसके साथ ही हम विलेज रिलोकेशन का जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे जो गांव जंगल के अंदर बसे हुए हैं, हम उनको जो है एक ऐसी जगह पे स्थापित करते हैं जहाँ की उनको हर तरह की सुविधाएं उनको मिल सके। इसके साथ ही हमने यहाँ पे जो मेरी जो रेंज है वो जंगली हाथियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। अभी लास्ट फरवरी मंथ में यहाँ पे एक ह्यूमन कैजुअल्टी हुई जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी, 2 बच्चे और 1 वृद्ध थे, वो जंगली हाथियों की वजह से थे। तो उस तरीके की जो कैजुअल्टी दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नए कंट्रोलिंग मेथड अपनाए हैं। हम यहाँ पे ट्रैकिंग टीम बनाए हैं, हमने हाथी ट्रैकिंग टीम बनाया हुआ है, जो कि क्या करते हैं, जंगली हाथियों के सुबह शाम की लोकेशन हमें देते हैं, यदि गांव की ओर है शाम को लोकेशन तो वो हमको तुरंत सूचित कर देते हैं। इसके साथ उसके बाद ही हमने एक सूचना तंत्र बनाया, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हुआ है गाँव के, यहाँ के जो भी गाँव के लोग हैं उनके साथ मिलकर, जिसको हम हाथी सतर्कता समूह बोलते हैं। उसमें हम मैसेज डाल देते हैं कि आज जंगली हाथियों का लोकेशन इस गांव में है। उस ग्रुप में उस गांव के सरपंच, सचिव और भी गांव के लोग जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ ही उस जो भी गांव है वहां पे जिला प्रशासन के द्वारा एक ध्वनि यंत्र स्थापित किया गया। जैसे ही ग्रुप में हम डाल देते हैं कि आज लोकेशन इस गांव में है, तो वहां के जो सरपंच और सचिव होते हैं वो उस गांव में सूचना दे देते हैं, ताकि लोग अलर्ट हो जाते हैं और जंगल की ओर ना जाके घर पे सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद हमने एक हाथी मित्र दल बनाया हुआ है, मतलब यदि बाय चांस अगर जंगल से हाथी गांव की ओर आ ही गए, तब हमको उस कंडीशन पे क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, हर गांव के 10 से 15 लड़कों को हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि उनको हमने सिखाया है कि जंगली हाथियों को कैसे ड्राइव करना है जंगल से, गांव से जंगल की ओर, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। तो हम हमारी टीम और गांव के लड़के ही मिलके जंगली हाथी को ड्राइव करते हैं, आग मसाल बना के और ड्रम पीटते हुए, आवाज करते हुए, पटाखे जलाते हुए, इस तरीके से हम काम करते हुए यू शेप में हम वर्क करते हैं और उनको वापस से जंगल की ओर भेज देते हैं, ताकि किसी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं होती। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इशू को कम करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हिंद कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब मिलते हैं एक और शेरनी से, इन्हें हम दबंग कहेंगे, क्योंकि ये पोचर्स को ना केवल पकड़ती हैं, उन्हें नानी याद दिला देती हैं। प्रतिभा अहिरवर जी का स्वागत हो यहाँ पर। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्कार रोहिणी जी। हेलो मैम। हाय। मैं प्रतिभा अहिरवर पिछले 11 साल से वन विभाग में हूँ,
और हमारी यूनिट जो है वो अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, पहचान छुपाकर, भेष बदलकर। मैं याद दिलाना चाहूंगी जैसे कि कहानी फिल्म में विद्या मैम ने किया था, इस तरह से हम अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो मैं अपना पहला ऑपरेशन बताना चाहूंगी जो कि मुझे टास्क दिया गया था। 5 दिन में हमें एक आरोपी को पकड़ना था जो कि नेशनल लेवल का स्मगलर है। उसके पीछे कई एजेंसियां लगी हुई थी, कई सालों से यह अंडरग्राउंड था और कभी पकड़ाया नहीं था। तो हमें जैसे ही इसका लोकेशन मिला, हम यूपी के शहर एक कानपुर पहुंचे जहां पर कि बहुत सेंसिटिव इलाके में ये रहता था। उस समय इलेक्शंस थे और धारा 144 लगी हुई थी, तो हम किसी एजेंसी की हेल्प नहीं ले सकते थे, हम अपनी पहचान नहीं छुपा हम बता सकते थे। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम भेष बदल कर काम करेंगे और जहाँ ये एरिया था वहां पर जो है मैंने बुर्का पहना, बुर्का पहनकर एक जो मजार थी वहां पर मैंने उसके घर के सामने बैठना शुरू किया, क्योंकि हमें इसका चेहरा भी नहीं पता था। तो कुछ पहले हमें इसे ढूंढना पड़ा, उसके बाद हमें पता चला कि ये घर से बाहर नहीं आता है क्योंकि काफी बड़ा क्रिमिनल है तो हमेशा छुपके रहता है। जैसे तैसे हमने इसका रूटीन पता किया, तब हमें पता चला कि डॉक्टर ने इसे एडवाइस किया हुआ है कि इसे कुछ देर आके धूप में बैठना है। तो ये अपने घर से कुछ दूरी पर जो रोड थी वहां पर धूप में आके थोड़ी सी देर के लिए बैठता था और हमारे लिए वही समय था जब हम इसे वहां से पकड़ सकते थे। तो जब मैं इस बुर्का पहन के मजार में बैठती थी तो मुझे बहुत डर भी लगता था, लेकिन आप कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को आप पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो आखिरी दिन जब हमारा 5वां दिन था, जब हमारा टाइम खत्म हो रहा था, तब ये बाहर आया और उस समय मैंने और मेरी टीम ने इसे बुर्के के सहायता से हमने इसे पकड़ा। और क्योंकि वहां से 1000 किलोमीटर दूर हमारा प्लेस था जहां हमें इसे लेकर आना था, तो तुरंत हम लोग निकले और रात भर ड्राइव करके फिर हम इसे कोर्ट में हमने लाके जज साहब के सामने खड़ा किया और इसके बाद में उसे सजा हुई। और अभी तक वो करीब 4 साल हो गए हैं वो जेल में है और बहुत सारी एजेंसीज ने उसको फिर अपने केसेस में भी पकड़ा और पूछताछ की। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और मैं इस टास्क को कर पाई, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है ये। और जैसे कि आपने खुद कहा कि आपको भी डर लगा लेकिन आप डर के आगे गई और सारी कायनात तो है ही उनकी मदद करने के लिए जो हमारे पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी अगली शेरनी जो है ये एक डॉक्टर है और टाइगर रिजर्व में डॉक्टर क्या करते हैं इसके बारे में हमें बताएंगी डॉक्टर किरण बिसेन। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम वेरी फाइन। हेलो टू विद्या मैम। हाय हाय मैम, आई एम किरण बिसेन, आई बिलोंग टू बालाघाट डिस्ट्रिक्ट वेयर दिस शेरनी मूवी वाज शॉट। जी बिल्कुल मैडम, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो महिलाएं जो शेरनी आज यहाँ अपनी कहानी बता रही हैं उसको आपने पर्दे पर लाने की कोशिश की और समाज उसको देखेगा और जानेगा कि महिलाएं किन हालातों में पुरुषों से कहीं कम नहीं है और वाकई वो शेरनी है और कितनी मुस्तैदी से टाइगर रिजर्व एरिया में, चाहे फॉरेस्ट घना जंगल एरिया हो, वहाँ काम करती हैं। मैडम, मेरी पहली पोस्टिंग टाइगर रिजर्व में हुई, चूंकि मैं बेसिकली वेटनरी डॉक्टर थी तो मुझे सीनियर्स ने कहा कि नाउ फिश इन द वाटर, मतलब आपकी सही जगह पोस्टिंग हुई है, अब आप प्रूफ करके दिखाइए। अच्छा। इसके पहले टाइगर रिजर्व में कोई महिला पोस्ट नहीं हुई थी। आई वॉज द फर्स्ट लेडी पोस्टेड देयर एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर पीस टाइगर रिजर्व। Okay. ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि वो बड़ा ग्रोइंग सा टाइगर रिजर्व था, काफी टाइगर्स के नंबर बढ़ रहे थे उस समय, 60,000 चीतल थे और 47 टाइगर्स थे जब मैं पोस्टेड थी वहां पे। तो टाइगर के जीवन से तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और कई रोमांचक अनुभव मुझे हुए। जैसे उस टाइगर रिजर्व में दो टाइगर्स थी जो काफी फेमस थी, एक का नाम था बाघिनाला वाली और एक थी कॉलर वाली। कॉलर वाली उसको इसलिए कहते थे कि हमने उसे कॉलर किया हुआ था उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। कॉलर वाली का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था पेंच के लिए क्योंकि वो अभी तक, जब तक मैं थी तब तक 23 कब्स दे चुकी थी एंड 20 कब्स उसके सर्वाइव कर रहे थे वहां पर। तो वो जो टाइगर्स थी वो शान थी टाइगर रिजर्व की। और एक मैं छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी कि किस तरीके से हालातों से हमें गुजरना होता है टाइगर रिजर्व में। इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। बाघिनाला वाली टाइग्रेस जो थी 28 फरवरी को पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो गई और उसके दो कब बोलते हैं बच्चे को, उनकी भी डेथ हो गई।
और माहौल यूं था कि सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सब कुछ हमारे अगेंस्ट थे कि आपने पॉइजनिंग करके टाइगर मार दिए। तो इसको संभालना, मीडिया मैनेजमेंट करना, सभी को समझाना कि भाई टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए है, और ये अनटूएड घटनाएं तो किसी मिस्च्यूस एक्टिविटी की वजह से हुई है। मैडम इसको संभालना इतना मुश्किल था, लेकिन एनी हाउ हमारे डायरेक्टर सर, हमने सभी ने मिल करके इस माहौल को ठीक सेफली कान्हा टाइगर रिजर्व छोड़ा। और इसके अलावा रिलोकेशन का भी एक अनुभव है, जैसे अंजना ने कल बताया था कि पन्ना में जो टाइग्रेस आई थी वो पेन से आई थी, तो हमारे लिए चैलेंज था कि वो टाइग्रेस जो 4 साल की होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी प्रोलिफिक ब्रीडर, मतलब 4 साल की प्रोलिफिक ब्रीडर मानते हैं, तो उसको पकड़ना, मतलब उसी टाइग्रेस को, उसके लिए हमने 1 महीना अभियान किया था, तब जाके वो टाइग्रेस हमें पकड़ में आई थी, और फिर उसको हमने पन्ना भेजा था। नाउ उसने वहां पे बहुत सारे अपने कप्स दिए, और पन्ना अभी आजकल हरा भरा हो गया, टाइगर्स के नंबर काफी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी जो हर इंसान को सीखने के लिए है कि 50-60 का जो हर्ड, चीतल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, वो एक तरफ बैठा हुआ है और एक तरफ से टाइगर जा रहा है। तो ये यूनिक सीन है, जैसे हम जनरली मानते हैं कि टाइगर है तो वो बस किसी को मार ही देगा या किसी को किल ही करेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। टाइगर का जो नेचर है वो टाइगर सर्वाइव्स बाय इट्स नीड, नॉट बाय ग्रीड, जो कि इंसानों को ये सीखने वाला बिहेवियर है। तो मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा मतलब एक छूने वाली बात हुई मेरे साथ कि देखिए इतना हर्ड है फिर भी टाइगर ने एक को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ऐसे कई रोमांचक अनुभव मेरे हुए टाइगर रिजर्व में, और मैंने 3 साल का अपना टेन्योर वहां पे सक्सेसफुली पूरा किया, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं पहली पोस्टिंग को 3 साल बड़े बखूबी निभा पाई, और जितनी शेरनियां यहाँ पे है वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं, और मैं शेरनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस आस्पेक्ट को समाज के सामने रखा और गौरवान्वित किया सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारी अगली शेरनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों के बच्चों के लिए काम किया, उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दी और उन्हें देश की सेवा के लिए काबिल भी बनाया। स्वागत कीजिएगा लक्ष्मी मरावी जी का। लक्ष्मी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया मैम, नमस्कार आप सभी को। और मैम मैं एमपी के ही डिंडोरी जिले की रहने वाली हूँ, और 2005 में मैं वन विभाग में आई, और अभी 1 जून को मेरे को जो है 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में ड्यूटी करते हुए। और जो 16 साल है वो पूरे 16 साल में कोर एरिया में रही, और कोर एरिया में ड्यूटी करने में क्या क्या परेशानियां होती हैं हमसे वरिष्ठ मैम हैं या फिर मेरी साथी बहन है सभी ने बता चुकी हैं। तो मैं आगे मेरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास जो बफर वन क्षेत्र है, वहाँ पर बफर वन क्षेत्र के आसपास जो है लगभग 165 ग्राम हैं जो ज़्यादातर वनों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं उनके माध्यम से नेचर एजुकेशन प्रोग्राम और अनुभूति कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों को पार्क भ्रमण के लिए उनको बुलाया जाता है, और पार्क भ्रमण के साथ साथ उनको जो है हम लोग नेचर गेम्स कराते हैं और वाइल्ड लाइफ मूवी भी दिखाई जाती है उनको, ताकि बच्चों के अंदर जो है पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर के उनके अंदर एक भाव पैदा हो कि हमको इनको बचाना क्यों जरूरी है, जो कि हम क्यों जरूरी है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसको बचाना क्यों जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों को हम लोग जागरूकता को लेकर के उनसे बातचीत करते हैं, और स्कूलों में भी टीम के साथ हम लोग भ्रमण में जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ पार्क में भ्रमण कराना संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग स्कूल में जाकर के प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो है वाइल्ड लाइफ मूवी दिखा करके उनको उस बारे में चर्चा करते हैं। और इस तरह से विगत वर्ष नवंबर 2016 से 2020 तक लगभग 291 स्कूल कवर हो चुके हैं, और करीबन 20,000 बच्चों से
जो है इस बात को लेकर के चर्चा की जा चुकी है और साथ में करीबन 600 टीचर भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसके अलावा जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके साथ भी ये नेचर एजुकेशन प्रोग्राम किया जा चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जो यहाँ के जो वासी होते हैं वो ज़्यादातर जंगलों पर निर्भर होने के कारण उनके अंदर थोड़ा सा एक सोच होता है कि वन विभाग वाले हमको जो है प्रवेश करने पर प्रतिबंधित करते हैं, या फिर जो कान्हा है वो सिर्फ पर्यटकों को घुमाने के लिए है। तो जब बच्चे जो जागरूकता कार्यक्रम है इसमें आते हैं और जब वो सीख करके वापस अपने गांव घर में जाते हैं तो फिर वे अपने माता पिता को समझाते हैं। और कई बच्चों के फोन आए हैं हम लोगों के पास में कि मैम हमारे खेत के पास जो जंगल है, जंगल के किनारे महुआ का पेड़ है, तो वहाँ पर हम लोगों ने आग नहीं लगाया है बल्कि हम लोग वहाँ पर झाड़ू से सफाई करके और महुआ चुन रहे हैं। तो ये सुनकर के बहुत ही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बच्चों में एक सकारात्मक सोच पैदा हो रहा है या फिर जागृत हो रहा है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। बस थैंक यू मैम। कमाल का काम कर रही हैं आप लक्ष्मी जी, हमारे भविष्य को थोड़ा सा और सेंसिटिव जिसे कहते हैं ये बना रही हैं, ताकि उनको बिल्कुल ऐसे ही संभाल कर रखिए जैसे कि आप इन्हें इस वक्त सौंप रही हैं। हमने कितनी शेरनियों से आज मुलाकात की है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि आज विद्या आप शेरनी बनी हैं, आप एक फिल्म के लिए ये कहानी जो है आगे लेकर आ रही हैं, लेकिन ये जो कहानी है इनकी हर रोज की कहानी है। और ये सारी जो शेरनियां हैं उनकी शक्ति मैं मानूंगी कि आप में मिल गई है और आप इनका रूप जो है धारण कर रही हैं। मुझे तो ये बात सुनकर सोचकर सच्ची में बार बार मैं कहती हूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जितनी भी शेरनियां हैं आप सबके साथ मैं भी जुड़ जाऊं। विद्या जी को तो मौका मिला ही है, लेकिन आपके साथ अगर एक फोटो हो जाए तो क्या आप मुझे ये फोटोग्राफ देंगी? बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो देखिए होता, अरे वाह क्या लग रहे हैं आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होता ये है कि अक्सर जब फोटोग्राफ लिया जाता है तो हमें पता नहीं किसने कहा था कि हमें कहना चाहिए चीज, लेकिन मैं कहूंगी कि आज हम चीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे शेरनी। और आप एहसास करेंगे कि शेरनी ये शब्द कहने में सबसे बड़ी मुस्कुराहट जो है आती है चेहरे पर। तो 3-1 का मैं काउंट डाउन दूंगी और हम सबको कहना है शेरनी। 3-2-1 शेरनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ये फिल्म नहीं बनती अगर सपोर्ट नहीं होता, और सपोर्ट नहीं होता मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और उनके फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का। शेरनी की मैक्सिमम पार्ट ऑफ शूटिंग जो है मध्य प्रदेश के जंगलों में हुई है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं एमपी टूरिज्म बोर्ड का उनके सपोर्ट के लिए। इसी एसोसिएशन के बारे में बात करने के लिए और हमें बताने के लिए थोड़ा सा और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमपी टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और चंद शब्द कहें। शुक्ला जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार रोनी जी, नमस्कार विद्या जी, नमस्ते। सबसे पहले मैं सभी शेरनियों को सलाम करता हूँ और हमारे इस शेरनियों की टीम को लीड करने वाली और समाज के सामने लाने वाली इस मूवी के माध्यम से विद्या बालन जी जो शेरनी मूवी की मुख्य हमारी नायिका हैं उनको मैं सलाम करता हूं और हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश की जो शेरनियां जिनके साथ आपने अभी इतना इंटरेक्ट किया, आपने देखा अपनी जान हथेली पे रखकर कैसे ये लोग जंगलों की और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करते हैं जिसके कारण आज ये जंगल सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में हम बहुत लकी हैं क्योंकि किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई फॉरेस्ट कवर है तो वो मध्य प्रदेश में, ये सेंट्रली और लैंड लॉक्ड स्टेट है, फिर भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर जो है किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी यूनिक है एंड वी आर कॉल्ड टाइगर स्टेट, नाउ वी आर ऑल्सो लेपर्ड स्टेट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज लेपर्ड स्टेट एज वेल एज एलिगेटर स्टेट। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड और एलिगेटर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इस प्रदेश में।
और लेपर्ड में तो ये हाल है कि हमारे बाद जो दूसरे नंबर का प्रदेश है दैट इज वे बिहाइंड अस कर्नाटका, हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा ऊपर लेपर्ड्स हैं और 550 के ऊपर हमारे यहाँ टाइगर्स हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि ये जो श्रेणियाँ जिनसे आपने बात की ये कंधे से कंधा मिला करके बाकी समाज के सारे लोगों को साथ लेकर के कैसे जंगल की रक्षा करनी। हम लोगों को बड़ा इस बात पे भी गर्व है कि मध्य प्रदेश में 10 बहुत सुंदर नेशनल पार्क हैं जिनके नाम आपने सुने, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और इस प्रकार के हमारे हर एक जितने नेशनल पार्क हैं, कुनो नेशनल पार्क जहाँ पर अभी हम निकट भविष्य में चीता लेके आ रहे हैं, एक्सटेंड हो गया है इंडिया से और हम कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे स्टेट में, यानी आप पूरे स्टेट में कहीं भी जाएंगे आपको इतनी हरियाली दिखेगी, इतना जंगल इंटैक्ट दिखेगा कि आप बिल्कुल मन से खुश हो जाएंगे। क्योंकि कुछ भी कहिए, आज भी आदमी कितना प्रोग्रेस कर ले, कितने बड़े शहरों में रह ले, कितनी पक्की इमारतों में रह ले, मगर जंगल जाकर के नेचर के साथ रहने पे जो रिफ्रेशमेंट मिलता है, हम अपने आप से अपने आप को रिकनेक्ट कर पाते हैं और जो एक्सपीरियंस होता है सोलफुल एक्सपीरियंस, उसकी बात ही अलग होती है। आपकी बैटरी एकदम से चार्ज हो जाती है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं एकदम। तो ये मध्य प्रदेश का यूनिक फीचर है जो यहाँ के जंगल हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं प्रोग्राम के, कि मध्य प्रदेश अगर कोई आता है किसी भी तरफ से आए, हमारे पूरे प्रदेश में हेरिटेज संपदा भी बिखरी हुई है। आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स हमारे प्रदेश, जिसको ASI या स्टेट आर्कियोलॉजी उनको कंजर्व करता है। और इनमें आप जानते हैं खजुराहो का नाम जानते हैं आप, खजुराहो इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, सांची का नाम आपने सुना होगा और भीम पेटिका रॉक आर्ट्स जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स हैं भीम पेटिका की, इनको यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया और ये हमारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अभी रिसेंटली मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी है कि नेशनल पार्क्स में पहली बार ये हो रहा है पूरे इंडिया में कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जहाँ पर पचमढ़ी आता है स्टेशन, उसे यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला है, यानी भविष्य में ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की घोषित होगी और इंडिया की सेकेंड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। मानस इसका पहले आसाम में है, उसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो लोग हेरिटेज के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए इतनी सारी संपदा यहाँ बिखरी हुई है, यहाँ आकर के किसी भी कोने में जाएंगे उनको बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स, किले, कोठियाँ और बहुत अच्छे मंदिर पुराने आपको देखने को मिलते हैं। रिलीजन के बारे में मध्य प्रदेश आप जानते हैं 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं, महाकाल जी और ओंकारेश्वर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, शक्तिपीठ हैं यहाँ पर अनेक। तो इस प्रकार से रिलीजन के दृष्टि से भी कहीं भी आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्थानों का दर्शन करने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मानसून का सीजन है, इस समय अगर मध्य प्रदेश कोई आता है तो इतना सुंदर लगता है ये, मैं तो कहूँगा कि ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया अगर बोला जाए मध्य प्रदेश को मानसून में, तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं हो। आप किसी भी रोड पे जाएं, किसी भी तरफ जाएं, आपको हरियाली का चादर बिखरा हुआ दिखेगा, वहाँ पर आपको चारों ओर झरने बहते हुए दिखेंगे, नदियाँ कलकल बहती, बहुत ही सुंदर दिखता है। मानसून के दौरान पचमढ़ी में, ओरछा में, मांडू में, तामिया करके एक जगह है जहाँ पर जाकर के आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म शुरू से ही हमारा प्रयास रहा है कि लोगों को एक यूनिक इमर्सिव एक्सपीरियंस दें, ताकि लोग जो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जाने से बचें। और कोविड के समय तो ये और भी रेलेवेंट हो गया है। आज जो टूरिज्म की जो दिशा है वो एक नई दिशा की ओर चल रही है टूरिज्म, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर जोर है, यानी कि जो पर्यटक आते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम से कम करें, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाएं और नेचर के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करने के दृष्टि से मध्य प्रदेश के नेचर का आकर के आनंद लें। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल करके लगातार ये प्रयास करते रहे हैं
और मैं एक बार कहूँगा कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब भी आपको अवसर मिले मध्य प्रदेश के आसपास भी हो तो एक बार जरूर पधारें। और मैं आपको वादा करता हूँ, आप एक बार आएंगे तो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद मध्य प्रदेश, जैसा कि हमारे सभी साथियों के साथ होता है। अभी ये फिल्म शूटिंग का भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। 75 के ऊपर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ फिल्म शूटिंग के, वेब सीरीज के, टीवी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज के बन चुके हैं। अभी भी 15-20 प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। और शेरनी मूवी यहाँ पे क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ की जो यूनिक विल्डरनेस है, यहाँ का यूनिक वाइल्ड लाइफ है, यूनिक प्रपोजिशन जो यहाँ के हैं वो शायद कहीं एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलते। और विक्रम मल्होत्रा जी और विद्या बालन जी, हमारे टी सीरीज के जो साथी हैं भूषण कुमार जी, और अमेजन प्राइम के हमारे साथी हैं विजय जी, इन सब की टीम ने मिल करके मध्य प्रदेश को चुना और मध्य प्रदेश को बहुत ही सुंदर तरीके से इस मूवी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आई इन्वाइट वन एंड ऑल टू कम टू मध्य प्रदेश, एंजॉय, रिलिश द नेचुरल ब्यूटी, सीरीननेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड हेल्प द कॉज ऑफ इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल टूरिज्म टू टेक फॉर। थैंक यू शेखर जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक और बार जरूर कहना चाहूंगी कि आपके सहयोग के बगैर आज शेरनी नहीं बन पाती, और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जैसे कि हम कहते आए हैं हिंदुस्तान का दिल देखने का मौका भी है, तो देखिएगा जरूर 18 तारीख को शेरनी केवल Amazon Prime Video पर। सारी शेरनियों से मिलकर आज बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है, और मैं इन शेरनियों से यही कहूंगी, विद्या से लेकर हर एक शेरनी जो हमारे साथ जुड़ी, आगे बढ़ते रहिए, हम बस आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। दिस इज मी रोहिणी साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, सी यू सून।